शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान के टका बेंच पर मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। इसके बाद शाह ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और कहा एक पुस्तिका का भी उन्होंने इस मौके पर विमोचन किया। अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद हो या नक्सलवाद, प्रदेश के वीरों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया है। चार चार परमवीर चक्र भी इस प्रदेश को मिले हैं। पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था। देश के विभाजन के बाद 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हुआ, जिसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा करने को लेकर बातचीत हुई। पाकिस्तान बांग्लादेश में धर्म के आधार पर प्रताड़ना हुई। पीएम मोदी ने शरणार्थियों को ऐसे में सीएए दिया। कांग्रेस और कंपनी सीएए पर अफवाह फैला रहे हैं। राहुल बाबा को अमित शाह ने कहा कि चैलेंज देता हूं कि पूरा एक्ट पढ़कर बता दें कि कहां लिखा है कि नागरिकता छीनने का प्रावधान इसमें है। सीएए पर अमित शाह का राहुल गांधी को चैलेंज, साबित करे कहां लिखी है नागरिकता छीनने की बात। अमित शाह ने कुल मिलाकर अपने आधे घंटे के भाषण में हिमाचल के अलावा केंद्र सरकार की उपलब्धियों का किया बखान। इस भूमि को वीर भूमि इसलिए कहते हैं कि चाहे चीन के साथ लड़ाई हो, पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना हो, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ना हो, भारत माता के लिए बलिदान देने वालों की सूची उठाकर देखते हैं तो जो सबसे बड़ी वीरता के साथ लड़ा वो मेरे हिमाचल का ही वासी होता है। यहां के वीरों ने कई सालों से, कई युगों से मां भारती के लिए सर्वोच्च बलिदान देने का परंपरा स्थापित किया है। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं और विशेषकर माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, ये बिल अब बन चुका है एक भारत सरकार की वेबसाइट पर है। ये कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस एंड कंपनी अफवाहें फैला रही है कि इससे माइनॉरिटी की, मुसलमान भाइयों की नागरिकता जाने वाली। मैं चैलेंज देता हूं यहां से राहुल बाबा को, ये पूरे एक्ट के अंदर एक भी जगह पे किसी की भी नागरिकता लेने का अगर प्रावधान है तो कृपया आप बता दीजिए। मैं आज इस देश के सभी नागरिकों को कहने चाहता हूं, इस देश के बिल के अंदर, एक्ट के अंदर कहीं पर भी किसी की भी, माइनॉरिटी की भी नागरिकता छीनने का प्रावधान ही नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो माइनॉरिटी वाले भाई आए हैं उनको नागरिकता देने का प्रावधान है, देने का प्रावधान। कृपया आप अपप्रचार मत करिए, देश की शांति को मत तोड़िए, लोगों को गुमराह मत करिए। या तो आपके पास तथ्य है तो जनता के सामने लेकर आइए कि कौन से प्रावधान के अंदर ये प्रोविजन है।